मैं मिथिला हूँ। मैं प्रकृति के बारे में एक कविता सुनाने वाली हूँ। प्रकृति की लीला न्यारी, कहीं बरसात पानी, बहती नदियाँ, कहीं उफनता समंद्र है तो कहीं शांत सरोवर है। प्रकृति का रूप अनोखा, कभी कभी चलती साए साए हवा तो कभी मौन हो जाती। प्रकृति की लीला न्यारी है, कभी गगन नीला लाल पीला हो जाती है तो कभी सफेद बादलों से गिर जाता है। प्रकृति की लीला न्यारी है, कभी सूरज रोशनी से जग रोशन करता है तो कभी अंधियारी रात में चांद तारे टिमटिमाते हैं। प्रकृति की लीला न्यारी है, कभी सूखी धरा दूर उड़ती है तो कभी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। प्रकृति की लीला न्यारी है, कहीं सूरज एक कोने से छुपता है तो दूसरे कोने से निकलकर चौंक देता है। प्रकृति का रूप लीला है। का नाम नरेंद्र वर्मा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हरनी है, मैं 6th कक्षा से हूँ और आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। हिंदी की हो स्वीकृति। स्वतंत्रता का सपना तो पूरा हुआ, एक देश एक भाषा का नारा कहाँ प्रचलित हुआ। मानते थे गांधी जी नेहरू जी जी जान से, हिंदी ही हो एकता का माध्यम तहे दिल से। क्या उन सभी की भाषा है हिंदी, क्यों चाहते हैं उसकी समृद्धि। अरे चलती है राजनीति उनकी, न सुनो मेरे प्यारे द्रविड़ मोर्चा की। राज जान लो कि सीख चुका वहाँ का हर कोई, क्या भाषा भाषा को रोकती कहे कोई। बस यही की राजनीति की नीति उनकी, हाँ हिंदी से गाये हो उपस्थिति उनकी। देखा आपने सरकार की नव शिक्षा नीति, सचेत हो जाओ हिंदी पढ़कर नित्य प्रति। आओ मेरे दोस्त सभी, महात्मा का सपना करे साकार, हिंदी हो हर दिन के आदन प्रादन का आधार। देश धरती पर लाए सुधार, भारत को करें उपलब्धियों से सारा भूल। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम पृथ्वी है और मैं हिंदी दिवस पर एक कविता पेश करने वाला हूँ। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी उसका संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी उसका संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंकुरी सेतु बनाती हिंदी है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंकुरी सेतु बनाती हिंदी है। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी उसका संगम है। धन्यवाद।